स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर थर्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड इन दिस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास एंड एज यू ऑल नो दैट एटॉमिक मास इज द मास ऑफ वन एटम. एटॉमिक मास मीन्स इट इज द मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास. और ये हमने कैसे कैलकुलेट करा था, इसको जेड से डिक्टेट करते हैं, इट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन. ठीक है, कितना मास है, कितने प्रोटॉन है उसका मास प्लस न्यूट्रॉन के मास को जब हम ऐड कर देते हैं तो उससे हमें एटॉमिक मास मिलता है. फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम बात करते हैं हीलियम की, तो हीलियम का एटॉमिक मास कितना होगा. हीलियम में दो एटम्स, दो प्रोटॉन होते हैं और दो न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसका टोटल मास कितना हो जाएगा, 4 μ. और यहाँ जो ये म्यू लगाया है मैंने, इट इज द एटॉमिक मास यूनिट. म्यू इज द एटॉमिक मास यूनिट एंड इट इज द यूनिट टू शो द टोटल मास ऑफ एन एटम. एक एटम का टोटल मास, उसकी यूनिट होती है म्यू. फिर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास एंड इट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल. इट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड एज यू ऑल नो दैट मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द एटम्स. तो मॉलिक्यूलर मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितने भी एटम्स होते हैं उनके इंडिविजुअल एटॉमिक मास का सम. ठीक है, या उनके एटॉमिक मासेस को जब हम ऐड कर देते हैं तो मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा. फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर HCl या फिर हम ले लेते हैं मान लीजिए NaCl. यहाँ अगर मैं NaCl ले लेती हूँ तो आपको पता है सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 और Cl का मास होता है क्लोरीन का 35.5. तो टोटल कितना हो जाएगा, 58.5 μ एंड 58.5 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वन NaCl मॉलिक्यूल. एंड फॉर आयनिक कंपाउंड्स इट इज आल्सो नोन एज फॉर्मूला मास. किसी भी आयनिक सॉलिड के लिए जो मॉलिक्यूलर मास होता है वही उसका फॉर्मूला मास भी बोला जाता है. ठीक है, अब इसके बाद में इतना आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ और इसके बाद में नेक्स्ट बात आती है मोल कॉन्सेप्ट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मोल कॉन्सेप्ट, मोल, व्हाट इज मोल. अगर हमें पता है कि हम एक एटम या मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही टाइनी होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, हम उनको देख भी नहीं पाते हैं और उनका मास भी बहुत ही कम होता है, 10⁻⁻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 ⁻
कितना होता है, न्यूट्रॉन का मास कितने किलोग्राम में कितना होता है, तो 10 की पावर में -27 तक आ जाता है वहां पर। तो इतना कम मास होता है, तो इनके लिए एक अलग यूनिट बना दी जिसको हम न्यू बोलते हैं, ठीक है। बट जब भी हम कोई भी केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो हम ग्राम में बैठ लेते हैं। तो अगर सबसे पहले जो अवोगाड्रो था, ठीक है, अवोगाड्रो ने ये मोल कॉन्सेप्ट दिया एंड इसने क्या कहा, एक नंबर दिया जिसे हम बोलते हैं अवोगाड्रोस नंबर। अवोगाड्रो को क्या मिला कि अगर किसी भी एटम के या मॉलिक्यूल के हम इतने पार्टिकल्स लेते हैं, ठीक है, अवोगाड्रो ने क्या फाइंड किया, उसने ये नंबर दिया। और उसने ये नंबर किस तरीके से फाइंड करा, उसने अगर हम मान लीजिए हम हाइड्रोजन एटम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1 μ। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 μ। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन के इतने एटम्स ले लेते हैं, सुनिएगा कि अगर हम हाइड्रोजन के इतने एटम्स ले लेते हैं तो उनका टोटल मास होता है 1 γ। कितना होता है, 1 γ। मास ऑफ 6.23023 × 10²³ हाइड्रोजन एटम्स विल बी इक्वल टू 1 γ। एज वेल एज अगर हम ऑक्सीजन एटम की बात करते हैं, तो आपको पता है 1 ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास होता है कितना होता है, 16 μ, एक ऑक्सीजन एटम का। बट अगर हम ऑक्सीजन के इतने एटम्स ले लेते हैं,
ले रहे हो और एटम्स अगर आप इस नंबर के इक्वल एटम्स ले रहे हो तो उनका जो एटॉमिक मास होगा वो ग्राम में आएगा, और अगर हम हाइड्रोजन एटम्स लेते हैं, इतने हाइड्रोजन एटम लेते हैं तो उनका वेट होता है 1 ग्राम के इक्वल, अगर हम इतने ऑक्सीजन लेते हैं तो उनका वेट होता है इतना ग्राम, ठीक है 16 ग्राम, एंड दिस नंबर इज इक्वल टू देयर एटॉमिक मासेस। ये जो नंबर आता है, यहाँ जो वेट आता है, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ वन एटम्स, बट ग्राम की न्यू की जगह ग्राम आएगा क्योंकि हमने एटम्स बहुत सारे लिए, बट दिस डिजिट विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर। ये जो डिजिट थी वो उसको सिमिलर मिली, ठीक है। तो इस नंबर को बोला गया अवोगाड्रो नंबर, और इतना जो वेट होता है इतने पार्टिकल्स का, इतने एटम्स का जो ये वेट होता है उसको बोल दिया गया 1 मोल। क्या बोल दिया गया इसको? 1 मोल। अगर हम हाइड्रोजन के इतने एटम्स लेते हैं और उनको वे करते हैं तो वो 1 ग्राम के इक्वल आता है, और इस 1 ग्राम को, क्योंकि उसमें एटम्स इतने हैं, तो इतने एटम्स का इतना जो वेट बना है उसको एक अलग यूनिट देती है, एंड दैट इज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। और इसी तरीके से अगर हम ऑक्सीजन का 1 मोल की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का 1 मोल कितना हो जाएगा? अबाउट टू इक्वल 16 ग्राम, ठीक है। तो अवोगाड्रो नंबर क्या है? इट इज द टोटल नंबर 6.023 × 10²³, एंड इट इज द कॉन्स्टेंट नंबर फॉर ऑल द एटम्स और ऑल द सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होंगे। अवोगाड्रो नंबर क्या है? इट इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। नेक्स्ट हम इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।